ललिता ऑटो रुको, मुझे मरीन लगता है इसका शरीर यहाँ पे आ गया, दिमाग मुंबई में ही है। तो सर जी क्या हुआ? देखो ना सुन भाई, कब से मैं इसको उठा रहा, उठ ही नहीं रही। ललिता जाना है। ओ वाह, ये समंदर कितना अच्छा है, एक किसका इतना बेसुरा आवाज है। मिनट में उठाती हूँ, डरना मत। हाँ मैं हूं। ससमा आप घर पे हो, मुंबई में नहीं? मुझे तो लगा मैं मुंबई में ही हूँ। क्या दिन थे वो 2 दिन, मैं कभी नहीं भूल जाना है वापस? सकती। हाँ जाना है मुझे वापस। मजाक कर रही हो? गुड मॉर्निंग दादी। दादी हाय बच्चों। दादी आप मुंबई से आए हो ना, तो हमको जरा मुंबई का एक्सपीरियंस बताओ ना, वहां पे आपने क्या किया, कैसे किया? हाँ दादी, हमें आपका एक्सपीरियंस जानना है। अरे शांत शांत, बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, बाद पहले ना क्या हो तुम? में नहा लूंगी, बच्चों को सुनना है ना मेरा एक्सपीरियंस। ये दादी अपना एक्सपीरियंस बताएगी। दादी का एक्सपीरियंस बाद में करना, पहले जाओ अपने कमरे में। वो होता है ना उसका, क्या कहते हैं उसको, एक्स एक्सपीरियंस। आपको भी नहीं आता? मुझे मत इंग्लिश सिखाइए। आपकी इंग्लिश नहीं आती तो क्यों इंग्लिश की धज्जियां उड़ाती हो? अरे बहू तो गला घोट रही है, उसका क्या? बड़े आए मुझे, हर बार मुझे टॉर्चर करते रहते हो। अभी आप दोनों चुप बैठो, मैं अपने पोता पोते को मेरे मुंबई का एक्सपायर। एक्सपीरियंस। तो मैं जब वहां पे गई ना, मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मैं काफी सुंदर थी ना इसीलिए। मैं तो बोर हो गई सुन के। और कभी मुझे ऐसा बाहर घूमने का चांस नहीं मिला, और जब मुझे मिला तो मैंने बहुत एंजॉय किया। क्या वो गेटवे ऑफ इंडिया था? फिर मैं बाहर से गई टैक्सी में बैठ के मरीन ड्रीव। फिर बाहर से गई मैं समंदर में। वॉचमैन क्या हुआ? वो बॉडीगार्ड आया कह रहे सोसाइटी की सिक्योरिटी करने के लिए। नहीं मुझे नहीं लगता अभी वो सोसाइटी में आएगा, क्योंकि सोसाइटी में सब अभी सेफ है। पर उसका सारा सामान तो यहीं पे है ना, ऐसे कैसे जा सकता है? वो सामान लेने के लिए तो वापस आएगा, और मुझे तो लगता है सिक्योरिटी करने के लिए आएगा। हमारी सोसाइटी को सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, वो तो चाहिए सोसाइटी में, तभी आएंगे मजे। ऐसा क्या उसका सामान है? बस काले काले सूटे और कुछ नहीं, वो नहीं आने वाला वापस। चुप बैठ। सोसाइटी में सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। क्यों? क्योंकि मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा बेटा ब्रांडेड, पति ब्रांडेड, सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। इतना सन्नाटा मेरे को पसंद नहीं। सोसाइटी में थोड़ा धमाका तो होना ही चाहिए, और जहां पे मैं होती हूँ वहां पे तो धमाके होते रहते हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, मीडियम मीडियम। ये बाबू, ये ढोलकी अजय क्या कर रही है? ये सबसे जरूरी है, चलो ऊपर ही आ रही है। माफ करना मेरे को, ये जोया बेन के दरवाजे पे। दिख नहीं रहा ठीक से। हाँ अब दिख रहा है, अब एकदम क्लियर दिख रहा है। ये बाबू कूड़ा डाके, समझ गई मैं। ये
किसने डाला इतना कूड़ा, कितना गंदा दिख रहा है। मैं अभी शरीर दीदी को बता देती हूँ। हेलो, थोड़ा क्या जी, आप कैसी हो? आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। पर ना यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, आपके घर के आगे मेरे को बहुत गंदा लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। के? ये देखो ना, नीचे देखो कितना कूड़ा है। उरे बाबा, इतना कूड़ा बराबर नहीं दिखता, और घर के आगे ऐसा कूड़ा भी नहीं रखती, मेरी माँ कहती है। तो किसने किया? पता तो है, पर अभी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं उठा देती हूँ, मेरे को इतना गंदगी अच्छा नहीं लगता। ना ना, आप क्यों उठा रही हो? ये मेरे घर के आगे गिरा है, मैं उठाती हूँ। उठना तो आपको भी नहीं चाहिए, आपने नहीं डाला, मुझे पता है किसने। अभी बता देती हूँ, देखो मैं ढोलकिया हूँ, मैं ढोल बजाती रहती हूँ। ये देखो, ये किया है ना आपके पड़ोसन ने, मैंने अपने आंखों से देखा, वो ऐसा कचरा डाली, सब कुछ डाला और चली गई। के? हाँ, मैंने अपने आंखों से देखा। लगाई था क्या बदमाश है ऐसे? कोई बात नहीं, मैं उठा देती हूँ। मैं भी उठाती हूँ। ना ना, आप क्यों उठा रही हो? उठाने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी उठाती हूँ मैं। ठीक है। एक चिट्ठी मिली मेरे को। चिट्ठी? हाँ, चिट्ठी पे पढ़ के देखती हूँ, चिट्ठी कुछ होगा लेकर हो। क्या करना है, फिर भी पढ़ती हूँ मैं। प्रिय शर्वरी, मैं जोया, अभी जो भी मैं इस चिट्ठी में लिख रही हूँ वो ध्यान से पढ़ो। देखो, तुम एक नंबर की लफड़ेबाज हो, तुम्हारे जैसी लफड़ेबाज पूरी सोसाइटी में कोई नहीं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभिजीत था, सबको पता है, पर तुमने एन वक्त पे उसके साथ धोखाबाजी की। मैं नहीं बोल रही, ये बोल रही चिट्ठी, और वो चला गया, अभी तक नहीं आया। अभिजीत का सबसे पहला प्यार तुम थी, और तुम भी उसको प्यार करती थी, पर तुमने उसके साथ दगाबाजी की, और बेचारे को सदमा लग गया, और वो सोसाइटी छोड़ के चला। मैं नहीं बोल रही है, बोल रही। और अभी वो वापस भी नहीं आ रहा है, और अगर उसके साथ कुछ हो गया। बस, इसकी इतनी हिम्मत, अब इसको दिखाते हो। जोया, बाहर आओ जल्दी। अरे वाह, लगता है कुछ हो गया। वोई वोई वोई, शुरू हो गया क्या? मैं जाती हूँ। हाँ, काम था, वैसे ही पड़े। क्या हुआ शर्वरी, क्यों चिल्ला रहे हो तुम इतनी जोर से? क्या हुआ शर्वरी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दरवाजे के आगे कचरा फेंकने की, वो भी सबके सामने? तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दरवाजे के आगे कचरा डालने की? अरे क्या, मिस ब्यूटीफुल जोया डार्लिंग, तुम दोनों लड़ रही हो? आप जब से गई हो ना, तब से इनका शो चालू है, बहुत मजा आ रहा है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आप यहाँ पे थी बताने के लिए। पर क्यों लड़ रहे दोनों? तुम दोनों तो दोस्त थी ना, हमने दोस्ती करवा के दी थी। दोनों अपने अंदर की भड़ास निकल रही, इसमें बुरा क्या है? एक साल हो गया, दोस्त बनने का ना डक कर रही थी। दोस्ती हो तो शर्मिला और मेरे जैसे लड़ो मारो, जो करना है करो, पर बाद में एक हो जाओ। इनके जैसे नहीं, ऊपर ऊपर दोस्ती दिखाना, बाद में फिर तू कौन मैं कौन, हटा सावन की घटा। बहुत अच्छा हो गया, टूट गई। तू अगर फिर से कुछ बोलेगा तेरा मुंह तोड़ दूंगी। वो सब तो ठीक है, तुम हो बदमाश मुझे पता है, तुमने कचरा डाला ठीक है, पर कचरे के साथ साथ तुमने जो चिट्ठी में लिखा है वो इतना घटिया है। मैंने कुछ नहीं लिखा है। पापा रे, कितना झूठ बोलती हो जोया तुम। क्या क्या चिट्ठी में लिखा है ना, सब पढ़ा है मैंने। क्या लिखा है? मैं वापस नहीं पढ़ सकती, जा। तुम नहीं लिखी है ना, खुद ही पढ़ो। मैं आऊं क्या पढ़ने के लिए? कोई जरूरत नहीं है उसके। सड़ियल रसगुल्ला। चंद्री, शांत शांत लड़ो मत ऐसे, मेरा दिल दुख रहा है। अगो भाई, हट रे कर, उसी का इंतजार कर। तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आई ना ये सब लिखते हुए? पहले तुमने ये बोला था, अब लिख के भेज रही हो, क्या जताना क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं जताना चाहती शर्वरी, समझने की कोशिश करो, झूठ बोलना बंद करो, और साफ साफ बताओ क्यों लिखा तुमने ये सब मेरे बारे में। मैंने ये लिखा ही नहीं है शर्वरी, तुम होश में तो हो क्या कह रही हो? तुमको ऐसा लगता है मैं ये चीजें तुम्हारे बारे में देखूंगी?
मैंने इसमें जितने भी अल्फाज लिखे उसमें से एक भी नहीं लिखा। झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ तो तुम बोलती हो, इनफैक्ट झूठ बोलने की उस्ताद तुम हो। चिप्स 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 खत्म हो गए सारे। क्या बात है ढोलकिया जी, फिर से एक बार सोसाइटी में धमाका कर दिया इस बंदी ने। मानना पड़ेगा बंदी में दम तो है। मैंने क्या झूठ बोला है और किससे झूठ बोला है? वैलेंटाइंस के वीक जब अभिजीत ने तुमको प्रपोज किया था तब तुम्हारे दिल से हाँ आ रही थी पर तुमने उस समय ना कहा। ये सबसे बड़ा झूठ तुमने अभिजीत से बोला। तुम्हें क्या पता मेरे दिल में हाँ था? तुम क्या दिल की डॉक्टर हो? डॉक्टर तो नहीं पर मुझे काफी एक्सपीरियंस है। तुमको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अपनी बहन की शादी जो तोड़ दी तुमने। शर्बरी फूटा तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। दूसरा लड्डू फूटा। हाँ डबल फूटा। अरे रुको रुको, अब हड्डी तोड़ दोगे क्या? तोड़ो तोड़ो, हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो, सब तोड़ो। हिम्मत तो बाहर आओ। अबे देखो, आई एम पेन। तुम्हारी सास क्या सटिया गई है पागल बुड्ढी? रुको रुको रुको, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हैं ऐसे बिल्लियों जैसे? देखिए मैं आपको बताती हूँ श्रेया के दीदी क्या क्या हुआ। मिस ब्यूटीफुल, तुमने ऐसा बोला? ये साफ साफ झूठ बोल रही है श्रेया की दादी। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। इसने मेरे और अभिजीत के बारे में ढोल बजा ढोल, ढोलकिया ने बजा दिया फिर से सबको। तुमने ऐसा बोला? मैंने ये नहीं बोला है। कितना झूठ बोलोगे? एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। शशि माय लव, व्हाट हैपेंड? क्या 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 यहाँ पे क्या हुआ वो एक बार बता दे। क्या कुछ? मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? तू यहाँ पे थी जब सब हो रहा था, है ना? मैं तेरी आंखों में देख सकती हूँ, ये बाल मेरे यूं ही सफेद नहीं हुए। कहाँ सफेद है, काले काले तो दिख रहे हैं मुझे। काले किए मैं? पकड़ी गई बुड्ढी, पकड़ी गई श्रेया की दादी। डाई करती हो ना, डाई करती हो ना? तुझे भी एक दिन डाई लगाना पड़ेगा। डाई क्या, मुझे तो लगता है तुझे तेरे मुंह के ऊपर क्लिप लगानी पड़ेगी, इतना आगे आ रहा है वो। हमें कहाँ पे थी? What happened? सब मुझे डिटेल में बता दो, नहीं तो बता दो, बता दो, बता दो, सब बता दो। दरअसल इसमें ना सुया बहन की गलती है ना सरवरी बहन की गलती, दोनों निर्दोष है। ये तो ढोलकिया जी का कारनामा है दोनों के बीच में झगड़ा लगाने का। ढोलकी? हाँ मैंने फरवरी और दोया के बीच फिर से एक बार फाइट लगा दी। तेरी सस्मस्मा? बस आराम से ही जा रही हूँ मैं। ये बुढ़ी है या बुढ़ा? मुझे माफ कर दो, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया। मुझे भी माफ कर दो, जाने अनजाने में मैंने भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, हो गई दोनों एक। क्यों ये ढोलकिया, क्यों किया तूने ऐसा? मुझे इच्छा हुई, धमाका करने का मन किया, इसलिए मैंने दोनों का ढोल बजा दिया, मेरी मर्जी। आपने मेरे को थप्पड़ मारी? मेरी मर्जी। महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। पढ़ने दे पढ़ने दे, महंगा। आई लव एक्सपेंसिव थिंग्स।